हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब के बंधुरा स्वागत है आप सबको सौरभ्स किचन में। दोस्तों आज हम आपके साथ ऐसा एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो या फिर अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हो और ये बहुत ही हेल्दी है एंड इट्स ऑल्सो टेस्टी। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है और अगर आपको आज का मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करना और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पहले तो हम कुछ सब्जी को बॉयल कर लेंगे, हल्का बॉयल करेंगे, ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। और हमने ले लिया है 150 ग्राम ग्रेटेड पोटैटो और दिया है इसके अंदर 150 ग्राम कैप्सिकम बारीक चॉप किया हुआ और ग्रेटेड कैरेट गाजर लिया है हमने 150 ग्राम और लिया है हमने बीन्स ये भी 150 ग्राम है और इन सबको हम हल्का बॉयल करेंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हम इसे बॉयल करेंगे और जब अच्छे से बॉयल हो जाए हम इसे छान लेंगे अच्छे से और उस पानी को हम नहीं फेंकेंगे दोस्तों, उसी गर्म पानी के अंदर हम कैबेज मतलब पत्ता गोभी के पत्ते को हम बॉयल कर लेंगे हल्का नमक डाल के। देखिए दोस्तों हमारा जो सब्जी है ठंडा हो गया, अभी हम इसके अंदर दे देंगे तकरीबन 300 ग्राम सूजी मतलब रवा और देंगे इसके अंदर 200 ग्राम खट्टा दही और हम इसके अंदर देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमेशा अपने स्वाद अनुसार ही देना चाहिए। और एक बात है दोस्तों, मैंने इसके अंदर कोई शक्कर नहीं डाला है, अगर आप इसके अंदर थोड़ा मीठा खाना पसंद करते तो इसके अंदर थोड़ा शक्कर आप डाल सकते हो और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। और इसके अंदर एक बार में आप पानी मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना। देखिए दोस्तों हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया, अभी हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे ढक के रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे ढक के रख देने के बाद हम एक तड़का बनाएंगे जो इस रेसिपी को एक अलग स्वाद देगा दोस्तों। और उसके लिए हमने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और उसके अंदर हमने दे दिया है 4 चॉप्ड हरी मिर्च एंड करी पत्ता। इसे हम उस सूजी के अंदर डाल के अच्छे से इसे मिला के इसे हम कुछ देर के लिए रख देंगे। तकरीबन 5-10 मिनट बाद हम उस सूजी को हम एक एक पत्ते गोभी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे एक अच्छे रोल की शक्ल देने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसे स्टीम से बॉईल करेंगे। Thank you.
देखिए दोस्तों, हमारा जो कैबेज रोल है अच्छे से बेक हो गया और बेक होने में तकरीबन हमें 15 मिनट लगे हैं और इसे हम अभी सर्व कर सकते हैं। और इसे हम सर्व करेंगे एक नारियल की चटनी के साथ, और उस नारियल की चटनी का रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप देख लेना। बहुत ही टेस्टी बनता है और नारियल की चटनी, और इसके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आज का मेरा रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों, और इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को भी खिलाना, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। और इसे ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे आप कमेंट के द्वारा बोल सकते हैं। एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे होम, हैव ए गुड डे, बाय बाय। फिर से लौटेंगे हम एक नए इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।